अम्बाला में अग्निवीर महिला भर्ती 2022 रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली से महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस भर्ती रैली में अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। इससे पहले पुलिस और सेना ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि सेना ने अग्निवीर की भर्ती रैली 7 से 9 नवम्बर तक हो रही है, इसके जिसमें आज केवल महिलाओं का फिजिकल टेस्ट किया गया। वहीं इस भर्ती रैली में पहुंचने वाली महिलाओं ने बताया कि गांव में किसी भी तरह से अभ्यास के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस टेस्ट के लिए खेतों में जाकर अपने आप को तैयार किया है। मेरे को बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियां थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। मेरे फैमिली में कोई नहीं, मतलब डिफेंस में कोई नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाए। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया। तो अब सरकार, मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए काफी अच्छा मौका है, लड़कियां 12th के बाद अभी एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता था। मेरा भी सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का ही है, बट मुझे मौका नहीं मिला प्लस टू के बाद ज्वाइन करने का। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड माई एफकेट एग्जाम। और उनकी ट्रेनिंग 2020 में होने के बाद 2021 में वो अपनी अपनी यूनिटों में जाके डिप्लॉयड हो गई। अभी तक जो महिलाएं हैं एज ए सैनिक, वो हमारी मिलिट्री पुलिस कोर में हैं, और ये जब कार्रवाई हुई, ये शुरुआत थी इंडियन आर्मी में एक नारी शक्ति की। और ये भी साबित किया गया, जैसे हरियाणा में कहते हैं कि ये हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, आज ये महिला सैनिक देश के हर इलाके में ड्यूटी कर रही हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट और हाई एल्टीट्यूड एरिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जो 100 महिला सैनिक हैं, उसमें से 16 यूएन मिशन में नौकरी कर चुकी हैं या कर रही हैं।